हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। आज एम के आर किचन में हम बनाने जा रहे हैं सेमिया कस्टर्ड पुडिंग। बहुत ही टेस्टी डिश है, ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सेमिया कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सेमिया 2 कप, और ये पिस्ता, किशमिश, काजू, और हमने लिया है बादाम। तो सबको हमने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमिया को रोस्ट कर लेंगे। तो हमने घी डाला है 2 चम्मच, रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे ज़रूर से बनाइए। अब हम क्या करेंगे, इसी में ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये सारे चीज़ एक ही साथ रोस्ट हो जाएंगी। और हमने क्या किया है, दूध को हमने बॉईल करके रख लिया है। अब हमारा ये रोस्ट हो चुका है। मौसम की वजह से ना मेरा थोड़ा गला खराब हो चुका है दोस्तों, तो प्लीज एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अब हम दूध डाल देंगे। हमने गैस के फ्लेम को लो कर दिया था। अब हम दूध डालेंगे, एक बॉयल आने देते हैं। अब हम चीनी भी डाल देंगे, 1 कप, और 2 चम्मच मैंने डाला है। आप अपने मीठा, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब हम मिला लेंगे और एक बॉयल आने देते हैं। तो हमारा बॉयल आ चुका है सेमिया में। अब हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर लेंगे 2 चम्मच, मिला लेंगे अच्छी तरह से। ठंडा पानी से हमें मिलाना है। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर। पहले हमने 2 चम्मच डाला, फिर 1 चम्मच हमने लिया क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो हमने मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम फ्लेम को लो कर लेंगे, गैस के फ्लेम को, और हम कस्टर्ड को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिलाएंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट से कुक करना है। 5 मिनट कुक करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। तो हमने ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से सजा दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।